बुलेटिन के बड़ी सियासी खबरों के साथ मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और अब इसी कड़ी में खबर मिल रही है कि अब से हर कांग्रेसी के घर पार्टी का झंडा फहरेगा, उनकी गाड़ी और उनके घर पर कांग्रेस का जो झंडा है वो फहरेगा। ये निर्देश दिए गए हैं विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने में कांग्रेस पार्टी जुटी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी गाड़ी में और अपने घरों पर कांग्रेस का झंडा फहराएंगे, झंडा लगाएंगे। चलिए हम रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए इस खबर पर। सूरज, लगातार विपक्ष में बैठी कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, मजबूती से बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन अहम निर्देश कमलनाथ ने झंडा लगाने को दिए हैं पदाधिकारियों को, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, 2023 को लेकर कमलनाथ नए प्रयोग कर रहे हैं और यही कारण है कि इस बार नया आदेश जारी किया है। तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वो अपने घरों में कांग्रेस का झंडा लगाएंगे, साथ ही जो उनके वाहन है उनमें भी कांग्रेस का तिरंगा लगाया जाएगा। दरअसल इस पीछे इन सबके पीछे कवायद है किस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बनाना है, और जब हर घर में कांग्रेस का झंडा होगा, हर गाड़ी में झंडा होगा, तो कहीं ना कहीं चुनाव माहौल तैयार होगा। और यही कारण है कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, खासतौर से हम देख रहे हैं लगातार हर हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब झंडा पॉलिटिक्स भी शुरू होने लगी है कि किस तरीके से प्रदेश में माहौल बनाना है, आपके आसपास के लोगों में एक माहौल बनाना है, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, तो ये झंडे से होगा और हर घर में झंडा होगा, हर वाहन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तिरंगा लगाया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है कमलनाथ वो भी दौरा कर रहे हैं, कल भी खातेगांव जा रहे हैं जहाँ पर 2008 से वो सीट नहीं जीते हैं। ऐसे में तमाम जो प्रयास हैं वो कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, हर संभव कोशिश की जा रही है कैसे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना है, और इसको लेकर सबसे पहले ये प्रयोग किया जा रहा है कि अब हर घर पर कांग्रेस का झंडा होगा, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता के वाहन पर भी कांग्रेस का तिरंगा लहराया जाएगा। दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सूरज बातचीत के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।